वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कोचिन शिपयार्ड में पहले देसी तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत को कौम के नाम करेंगे वक्फ। तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया विक्रांत जदीद तरीन खसूसियात से है लैस। वज़ीर-ए-आज़म नए बहरी परचम की भी करेंगे नकाब कुशाई। वज़ीर-ए-आज़म आज मंगलुरु को 3,800 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का देंगे तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म कुलाई के मत्स्य बंदरगाह के तरक्याती मंसूबे का भी रखेंगे संगे बुनियाद। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुमार सक्सेना की केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, कहा कि एक्साइज पॉलिसी में संगीन तजादात के का मसला उठाकर उन्होंने आईन और दिल्ली के आवाम के तय की है अपने फराइज की तकमील। कहा कि तहकीकात की सिफारिश के बाद केजरीवाल हुकूमत ने एक्साइज पॉलिसी की ली थी वापस। बैनुल अक्वामी खबरों में अक्वामे मुत्तहदा के माहिरीन की टीम का यूक्रेन के ज़ापोरोजिया जौहरी प्लांट का दौरा, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने की सताईश। रूस का बयान, जौहरी प्लांट के महफूज ऑपरेशन और IAEA के मुआयना कारों के काम की तकमील के लिए किए जा रहे हैं हर मुमकिन इकदाम। और खेल की खबरों में एशिया कप में बांग्लादेश का सफर हुआ खत्म। श्रीलंका ने बांग्लादेश को 2 विकेट से शिकस्त देकर सुपर 4 में बनाई जगह। आज हांगकांग और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। और मुल्क के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय जापान ओपन में खेलेंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबला। चीनी ताइपे के चाओ तेन चेन से होगा सामना। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है, मैं हूँ साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मुल्क का सबसे बड़ा जदीद तरीन और मुल्क में ही तैयार करदा पहला तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत आज मुल्क को मिलने वाला है। ये मुल्क के लिए एक तारीखी दिन है। अब भारत उन चुनिंदा 5-6 ममालिक के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास तैयारा बरदार जहाज अपने मुताबिक डिजाइन करने और तैयार करने की सलाहियत है। मुल्क में तैयार करदा पहला तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत जुमे को बाकायदा तौर से बहरिया में शामिल होने के लिए तैयार है। INS विक्रांत को कल यानी 2 सितंबर को कोची में एक प्रोग्राम में बहरिया में शामिल किया जाएगा और इस प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। ये अपने आप में खुद कफील भारत की जीती जागती मिसाल है। तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस तैयारा बरदार बहरी जहाज ने पिछले महीने समुद्री मुआयनों के चौथे और आखिरी मरहले को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। विक्रांत की तैयारी के साथ ही भारत उन चुनिंदा ममालिक के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास तैयारा बरदार जहाज को अपने तौर पर अपने मुल्क में तैयार करने और इसको डिजाइन करने की सलाहियत है। BEL हो या LNT हो, किर्लोस्कर जैसी कंपनियां हो, ऐसी कई कंपनियां एक साथ आईं और उन्होंने न सिर्फ इस INS विक्रांत के निर्माण के दौरान हजारों रोजगार पैदा किए बल्कि 100 से ज़्यादा MSME अलग अलग समूहों को, अलग अलग उद्योग समूहों को एक साथ लाया। INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है विक्रांत का फ्लाइट डेक जहां से जहाज उड़ेंगे। इस जंगी जहाज की स्पीड 28 नॉट की है और 7,500 समुद्री मील तक सफर करने की भी सलाहियत है। तैयारा बरदार जहाज में 8 पावर जनरेटर हैं जो पूरे कोची शहर को रोशन करने की सलाहियत रखते हैं। इस जंगी जहाज में 2,300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं जिनमें 1,700 मुलाजमीन अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकते हैं। ये अत्यंत गर्व की बात है कि पूरा का पूरा स्टील जो हमारा है उसका उसे स्वदेशी रूप से बनाया गया है। उसमें DMRL की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया और उसी से हमारा ये खूबसूरत भारतीय सपना, अपने कैरियर का सपना पूरा हो पाया। विक्रांत के बाद भारत के पास 2 तैयारा बरदार जहाज होंगे, पहले से ही खिदमत में लगाए गए INS विक्रमादित्य और अब INS विक्रांत।
तो आईएनएस विक्रांत, द माइटी आईएनएस विक्रांत तैयार है अपनी तमाम क्षमताओं के साथ समंदर में उतरने के लिए। और यहां से संदेश जाएगा आत्मनिर्भर भारत का कि कोई भी लक्ष्य हमारे लिए बड़ा नहीं है। अपनी प्रतिभा के बल पे, अपने सैन्य बलों की जाबाजी के बल पे हम हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और आईएनएस विक्रांत यही संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है। कैमरामैन आरके के साथ ओम प्रकाश दास, आईएनएस विक्रांत फ्लाइट डेक से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने कर्नाटक दौरे में आज शुमाली कन्नड़ जिले के मेंगलुरु में कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और कई मंसूबे मुल्क को वफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मेंगलुरु में तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए की लागत वाले सनती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। जदीद कारी से टर्मिनल की सलाहियत में इजाफा होगा। इस मंसूबे का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म बंदरगाह के जरिए चलाए जाने वाले तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 5 मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म स्टोरेज टैंक और खुर्दनी तेल साफ करने के प्लांट्स, तारकोल जखायर और मुतालिका सहूलियाती मराकज की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म कुल्लई की फिशिस पोर्ट के तरक्याती मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इससे मछली पकड़ने और आलमी मंडी में बेहतर कीमत मिलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। वज़ीर आज़म दो प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। ये मंसूबे हैं BSS अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट और सी वाटर डिसलाइनेशन प्रोजेक्ट, जो मेंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के जरिए चलाए जा रहे हैं। BSS अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 1,830 करोड़ रुपए है, जो BS6 मयारात के साथ माहौल के लिए इंतहाई खालिस ईंधन बनाएगा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि हुकूमत दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में संगीन तजादात का मसला उठाकर उन्होंने आईन और दिल्ली के आवाम के तहत अपना फर्ज पूरा किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला अरविंद केजरीवाल की काबीना ने बाद में एक्साइज पॉलिसी को वापस लिया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कमरों की तामीर में बेजाब्तगियों पर चीफ विजिलेंस कमिश्नर की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में 2.5 साल की ताखीर का मामला भी उठाया। विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकारी फाइलों पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में पुरानी एक्साइज पॉलिसी जुमेरात से नाफिज हो गई है, यानी कि 1+1 का खेल खत्म हो चुका है। इसके साथ ही कनॉट प्लेस में सरकारी शराब की दुकानें खुल गई हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं, बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। हमारे नामानिगार राजेश राज ने कनॉट प्लेस में पुरानी एक्साइज पॉलिसी और नई पॉलिसी के दरमियान फर्क को समझने की कोशिश की है। दिल्ली में आखिरकार पुरानी आवकारी नीति लागू हो गई। आज से यानी 1 सितंबर से पुरानी आवकारी नीति के अस्तित्व में आ जाने के बाद सरकारी शराब की दुकानें खुल गई हैं। अभी हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये सरकारी जो शराब की दुकान है ये खुल गई है और लोगों की आवाजाही इस पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी आज से 1+1 का जो खेल था, शराब पर जो मुफ्त शराब देने की प्रक्रिया थी, वो खत्म हो गई है। अब शराब MRP पर बिकेंगे, सरकारी दुकानों में बिकेंगे। हमारे साथ जिस कनॉट प्लेस के जिस दुकान पर अभी हम मौजूद हैं, उस दुकान के जो मैनेजर हैं, उनसे हम आपको सीधा रूबरू कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा BC शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली में प्राइवेट जो शराब की दुकानें थी, 1+1 फ्री दिया जा रहा था, वो बंद हो गई, आज से आपकी दुकानें खुल गई हैं, कितना रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, क्या कहेंगे? सेल तो ठीक जा रही है, अभी ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक रिस्पॉन्स है। क्या आज से सरकारी दुकानें खुल गई हैं? आज से सरकारी दुकान 10 बजे से शुरू हो गई है। पीछे ये लीकर मार्ट जो है, हाँ। आपका तैयार है, आप लगाने के लिए इस पर तैयार हैं, क्या कहेंगे? नहीं भैया, बोर्ड लग जाएगा अभी, और दोनों बोर्ड लगेंगे, एक इधर को एक इधर की ओर, और बस तैयारी पूरी है, तैयारी हो चुकी है लगभग। हाँ, तैयारी हो गई है। जो BC शर्मा हैं, ये कनॉट प्लेस के एक जो सरकारी शराब की दुकान है उसके जो मैनेजर हैं, वो कह रहे हैं कि तैयारियां मुकम्मल हैं, बोर्ड तैयार किए जा रहे हैं, बोर्ड लगाए जा रहे हैं, फूल मालाओं से
गेट को सजा दिया गया है और जो सरकारी दुकानें तकरीबन कुछ दिनों से बंद थी और प्राइवेट प्लेयर जो थे वो दिल्ली में 1+1 शराब बेच रहे थे, उन पर कहीं ना कहीं ग्रहण लग गया है। और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जो मेहनत थी वो रंग लाई है और बीजेपी के दबाव में हम कह सकते हैं कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको झुकना पड़ा है और पुरानी आवकारी नीति अस्तित्व में आ गई है। कैमरामैन राकेश के साथ नई दिल्ली के कनॉट प्लेस से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी के NDMC और नवयुग स्कूलों में प्राइमरी तालीम को तमाम बच्चों के लिए काबिल रसाई बनाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने एक प्रोग्राम का आगाज किया। नर्सरी से पांचवी क्लास तक के तमाम तलबा में स्टेशनरी की तकसीम के लिए आदर्श विद्यालय से इसकी बाकायदा शुरुआत हुई। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तलबा में स्टेशनरी की किट्स तकसीम की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उम्मीद जाहिर की है कि NDMC की इस कोशिश से मुआशरे के कमजोर तरीन तबके के वालिदैन को भी हौसला मिलेगा कि वो अपने बच्चों को मयारी तालीम के लिए NDMC स्कूलों में भेजेंगे और खानदान पर कोई इजाफी माली बोझ नहीं पड़ेगा। ये बात काबिल जिक्र है कि इस स्कीम से मुस्तफीद होने वाले कुल 12,665 तलबा में से 9,399 तलबा NDMC स्कूलों के हैं और बाकी 3,266 तलबा नवयुग स्कूलों के हैं। बच्चों के बीच रह के तो ऐसा लगता है भगवान के बीच में है। आज हम लोगों ने NDMC के माध्यम से 12,600 बच्चों को फ्री जो है किताबों का एक सेट और कापियों का एक सेट दिया है। ये बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत काम आएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे यकीन है कि इस तरीके के जो प्रयास हो रहे हैं दिल्ली के अंदर NDMC के द्वारा, इससे जो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी बहुत असर पड़ेगा और बच्चों के अंदर एक भावना जागेगी कि हमें स्कूल जाना है, हमें पढ़ना है। सर्विकल यानी के बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के खिलाफ देसी वैक्सीन आ गई है। इस वैक्सीन को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजीरे ममलिकत आजादाना चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में लॉन्च किया। महकमा बायोटेक्नोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट ने साथ मिलकर क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन यानी के QHPV तैयार की है। ये वैक्सीन 9 से 14 साल की बच्चियों को लगाई जाएगी जो 30 साल तक तहफ्फुज फराहम करेगी। ये वैक्सीन इंतहाई मौसर है और सर्विकल कैंसर से बचाव करती है। आलमी सेहत तंजीम के मुताबिक भारत में सर्विकल कैंसर के हर बरस 1,23,000 मामले सामने आते हैं जिसमें तकरीबन 67,000 मरीजों की मौत हो जाती है। और इस मौके पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब की तकमील के लिए सेहत के शोबे में कसीर जहती इस्लाहात के काम में मसरूफ है। What is important and needs to be highlighted far and wide, I think even through the media, is what Rajesh was hinting is the first indigenously developed India's vaccine for HPV virus. It will be affordable also. It will also add to the esteem of a common Indian. Also live up to Prime Minister Modi's call for Atmanirbhar Bharat. And just to add to that before I conclude, we are already very cautiously working on the preventive health care, particularly in the cancer sector. خواتین اور اطفال کی ترقی کی وزارت نے جمعرات کو پورے ملک میں राष्ट्रीय पोषण माह का आगाज किया। इस साल के पोषण माह का मकसद बुनियादी तौर पर ग्राम पंचायतों के जरिए खवातीन की सेहत और बच्चों की तालीम पर तवज्जो मरकूज करना है। पोषण माह के दौरान सेहतमंद भारत के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के मकसद से 6 साल से कम उम्र के बच्चों, हामला खवातीन और 9 उम्र लड़कियों पर खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए गजाइत की अहमियत के बारे में बेदारी फैलाने के लिए मुल्क भर में मुतअद्दिद प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। पंचायती सतह पर आंगनवाड़ी खिदमात और सेहत के बेहतर तरीकों के बारे में बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। इसके साथ ही आंगनवाड़ी खिदमात के
दायरे में ज्यादा से ज्यादा मुस्तफिदीन को शामिल करने के मकसद से पेशरफ्त की जायजा मुहिम शुरू की जाएगी। इसके साथ ही नौ उम्र लड़कियों में खून की कमी को जांचने के लिए हेल्थ कैंप भी लगाए जाएंगे। और अब बात करते हैं कोरोना की। मुल्क में हिफाजती टीकों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोविड वबाई अमराज के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 212 करोड़ 72 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। टीकाकारी मुहिम के 594 दिन 18 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ्फुज़ का एक अहम जरिया है और इसकी आला सतह पर मुसलसल जायजा लिया जा रहा है और निगरानी की जा रही है। महाराष्ट्र में शदीद बारिश का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। महकमे मौसमियात मुंबई ने मुंबई समेत कई मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। महकमे मौसमियात की जानिब से गढ़चिरौली में रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही महाराष्ट्र के नासिक जिले में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से कई नदियों की सतह में जो आबी सतह है उसमें इजाफा हुआ है और ज्यादा बारिश की वजह से गोदावरी नदी की सतह आब बढ़ गई है। शहर के नशीबी इलाके जेरे आब हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना 5 से 8 सितंबर तक भारत का सरकारी दौरा करेंगी। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने उनके दौरे के बारे में तफसीलात फराहम की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शेख हसीना सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बाहमी तबादला ख्याल भी करेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर वजीर आजम शेख हसीना से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शेख हसीना का अजमेर जाने का भी इम्कान है। हर एक्सलेंसी शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश विल पे अ स्टेट विजिट टू इंडिया फ्रॉम सितंबर 5 टू सितंबर 8 दिस ईयर। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना लास्ट विजिटेड न्यू दिल्ली इन अक्टूबर 2019। ड्यूरिंग दिस विजिट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना विल कॉल ऑन द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एंड ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़। She will also hold bilateral consultations with the Prime Minister, with Prime Minister Shri Narendra Modi. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will call on the Prime Minister Sheikh Hasina during her visit. मरकजी वजीर बराए तालीम और तरक्की हुनरमंदी धर्मेंद्र प्रधान ने ट्राइका के शरीक चेयरमैन के तौर पर G20 वुज़राए तालीम की मीटिंग में इफ्तिताही तकरीर की और बहाली जदीद फिक्र और तामीर नौ के मौजू पर मुख्तलिफ ठोस इकदामात पेश किए। मरकजी वजीर तालीम ने मजीद मजबूत और जाम तालीम और हुनरमंदी की तरबियत का माहौल पैदा करने और NEP 2020 के निफाज के जरिए हर सीखने वाले की तख्लीकी सलाहियतों का इदराक करने की सिमत में भारत की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत को इब्तदाई बचपन की देखभाल और तालीम को बाजाब्ता बनाने, माजूर बच्चों को दरकार मदद फराहम करने, डिजिटल और मल्टी मॉडल लर्निंग को फरोग देने, लचकदार दाखला और खारजी कोर्सेस और तालीम को महारतों के साथ मरबूत कर रहा है जो सीखने के नतीज को बेहतर बनाने की कलीद है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्चुअल स्कूल और डिजिटल यूनिवर्सिटीज के साथ साथ भारतीय तालीम के दायरे कार को वसत देने और तालीम को मुनसिफाना और काबिल रसाई बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए कई जबानों में तालीम के लिए 260 से ज्यादा खसूसी टीवी चैनल्स कायम करने के मरहले में हैं। बैन अल-अक़वामी खबरों की बात करें तो बैन अल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबरा राफेल ग्रोसी ने यूक्रेन में रूस के जेर कब्जा ज़ापोरिज़िया जौहरी प्लांट का दौरा किया। राफेल ग्रोसी ने कहा है कि IAEA के माहिरीन प्लांट में मौजूद रहेंगे। राफेल ग्रोसी ने कहा है कि उनके खदशात उस वक्त तक जारी रहेंगे कि जब तक के ज़ापोरिज़िया में सूरत हाल मुस्तहकम नहीं हो जाती। मकामी बाशिंदों ने इलाके में गोलाबारी से होने वाले नुकसान के बारे में दस्तावेजात ग्रोसी के हवाले किए। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर IAEA के मिशन में रुकावट डालने का इल्जाम लगा रही हैं।
और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के माहिरीन की आमद की सताइश की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम तवक्को करते हैं कि IAEA के माहिरीन हालात की बुनियाद पर प्लांट पर कोई नतीजा अखज़ करेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोफ ने कहा कि रूस इस बात को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है कि प्लांट महफूज तरीके से काम कर सके और ये कि IAEA के मुआयना कार अपने कामों को अंजाम दे सके। अमेरिकी रियासत मिसिसिपी में पानी का बहरान शदीद होता जा रहा है। हुक्काम ने लोगों में पानी की बोतलें तकसीम करने के लिए नेशनल गार्ड के 600 अहलकार तैनात किए हैं। मिसिसिपी नेशनल गार्ड के अफसर ने कहा है कि हम रियासत के तमाम शहरियों की मदद के लिए तैयार हैं। वाज़ह हो कि मिसिसिपी में सैलाब के बाइस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को नुकसान पहुँचने की वजह से लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया ने कहा है कि रियासत मिसिसिपी में पानी के बहरान से निमटने के लिए तमाम मुतबादिल पर गौर किया जाएगा। वाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि बाइडेन इंतजामिया पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए रियासती और मकामी हुकूमती अहलकारों के साथ मिलकर काम जारी रखेगी। अमेरिका ने चीन से मुतालबा किया है कि वो उइगरों और दीगर नस्ली अकलियतों के खिलाफ मजालिम फौरी तौर पर बंद करें। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि अमेरिका ने अक्वामे मुत्तहदा के इंसानी हकूक के सरबराह की रिपोर्ट का खैर मकदम किया है, जिसमें कहा गया है कि चीन के इलाके सिंकियांग में अकलियतों के साथ शदीद ज्यादती की गई है। साथ ही अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि चीन रिपोर्ट में दी गई सिफारिशात को कबूल करेगा। खेल की खबरों में श्रीलंका की टीम एशिया कप क्रिकेट मुकाबले के सुपर चार में पहुंच गई है। श्रीलंका ने जुमेरात को दुबई में खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम को 2 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर चार में जगह बना ली। इस शिकस्त के बाद एशिया कप में बांग्लादेश का सफर खत्म हो गया है और टीम मुकाबले से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए। बांग्लादेश की जानिब से आफिफ हुसैन ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 19.2 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 184 रन बना लिए। श्रीलंका की जानिब से कुसाल मेंडेस ने 37 गेंदों में 60 रन बनाए। वहीं दूसरी जानिब कप्तान दासुन शनाका ने 33 गेंदों में 45 रन की इनिंग्स खेली। एशिया कप में आज शारजा में पाकिस्तान और हांगकांग की टीमें आमने सामने होंगी। इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वो सुपर फोर में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम मुकाबले से बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ अब तक 3 वनडे खेले हैं और 3 जीते हैं, लेकिन एशिया कप में हांगकांग ने भारत के खिलाफ जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है उसके बाद पाकिस्तान उसे किसी भी तरह मामूली टीम समझने की गलती नहीं करेगा। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज HS प्रणॉय का मुकाबला चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी चाउ तेन चेन से होगा। चाउ तेन चेन वही शटलर हैं जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते आलमी चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीता था। और नाज़रीन अब एक नजर डालते हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबार। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है NIA का ऐलान, दाऊद इब्राहिम की इत्तला देने वाले को 25 लाख रुपए का इनाम, ये इसमें शाया की गई है। और इसी के आलमी सफ़े से हमने खबर ली है कि श्रीलंका का IMF से 4 साल के लिए 2 अरब 90 करोड़ डॉलर का मुआहदा हुआ है। और इनकलाब के खेल के सफ़े से जो हमने सुर्खी ली है मिशन एशिया कप सूर्य का मुस्तकबिल रोशन, नंबर 3 के लिए मजबूत दावेदार बन गए हैं।
रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से जो हमने खबरें ली हैं वहां पर आधार से जुड़ी एक बेहद शानदार खबर यहां पर आई है कि आधार ने 6 साल से लापता 21 साल मजदूर शख्स को खानदान से मिलाने का काम किया है। इसी के साथ ही रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के आलमी सफ़े से जो हमने खबर ली है, अमेरिका के मुशीर ने इंतबाह दिया है कि अमेरिका और चीन में से किसी एक का इंतखाब करे पाकिस्तान, ये खबर है। और हिंदुस्तान एक्सप्रेस से जो हमने खबर ली है वो आपको बता दें कि मशहूर पुराने ज़माने की मशहूर अदाकारा साधना का यौम पैदाइश है, इसी मौके पर खराज अकीदत पेश करते हुए अखबार ने यहाँ पर एक आर्टिकल शाया किया है और लिखा है कि साधना एक बाकमाल अदाकारा रही हैं। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। नाज़रीन अब वक्त हुआ जाता है आपसे रुख्सत होने का, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा साधना के यौम पैदाइश पर उन पर फिल्माए गए बाज़ सदाबहार नगमों की झलकियां। आप इनसे महजूज हों और हमें दें इजाज़त। आदाब। इसी के साथ ही खबरनामा हमारा यहीं ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।